बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोच फैक्ट्री सीज़न 4 के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। ख़वातीन हज़रात, एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक, एक नई गैदरिंग, एक ऐसा सोशल सब्जेक्ट जो माशरे से बहुत करीब भी है लेकिन शायद माशरे के लोग उसके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। TV पे ज़्यादा बातें नहीं होती या फिर सोशल मीडिया पे ज़्यादा बातें नहीं होती, लेकिन K2 टेलीविज़न का ये जो प्रोग्राम है सोच फैक्ट्री, इसके अंदर तो हमने हर किसी की सोच की नुमाइंदगी करनी है। और वो किस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि हमने मज़हब के हवाले से भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, हमने नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन की, हमने कुछ प्रोफेशनल्स की रिप्रेजेंटेशन की, माशरे के मुख्तलिफ तबकों की, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के मुख्तलिफ तबकों के लोगों को हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, उनकी नुमाइंदगी करने की कोशिश की और कुछ ऐसे मौजूआत को सामने लेके आए, उन पर रोशनी डाली जिन पे शायद इतना आम फहम रोशनी नहीं डाली जा रही होती। और जो इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स है सोशल मीडिया के ऊपर और टेलीविज़न के ऊपर, सियासत के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके हवाले से इतनी डिस्कशन हो रही होती है कि जो हमारी आम आवाम है, जो आम शहरी हैं और जो आम ऐसे मसले मसाइल हैं उनको डिस्कस करने के लिए ज़्यादा वक्त टेलीविज़न पर दिया ही नहीं जा रहा होता। वजह उसकी क्या है, बार बार हर प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ कि ऐसी चीज़ें तो रेटिंग ही नहीं जेनरेट करती, ऐसी चीज़ों पे तो लोग ऑब्वियसली मार्केटिंग नहीं होती अक्सर चैनल के प्रोग्राम्स की, ऐसी चीज़ों पे ऑब्वियसली वो एक्साइटमेंट जेनरेट नहीं होती। लेकिन हम ये काविश पिछले 5 साल से चला रहे हैं और चलाते रहेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए, ज़रूरी है हमारे माशरे की तरबियत के लिए, ज़रूरी है उनकी तालीम और उनकी आगाही के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी हवाले से इस प्रोग्राम को हम सेल्फलेसली कुछ पाए बगैर या फिर कुछ मकसद रखे बगैर बार बार बात करते हैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो हमारे माशरे की ज़रूरत है, ना कि ऐसे टॉपिक्स जो सिर्फ माशरे के ऊपर थोप दिए जाएं। तो आज भी हम एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ऐसे तबके को रिप्रेजेंट करेंगे जिसके हवाले से माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं, माशरे के अंदर लोगों ने बड़ी बड़ी अजीब बातें बनाई हुई हैं, कहानियाँ बनाई हुई हैं, कुछ लोगों की गलतियों के ऊपर पूरी एक कम्युनिटी रिप्रेजेंट हुई हुई है, कुछ लोगों की जो मजबूरियां हैं उस पर ज़्यादा रोशनी डाली नहीं गई है। तो आज हम बात करेंगे ख्वाजा सराओं के हवाले से, और आज हमारे साथ जो मौजूद है रिस्पेक्टेड ख्वाजा सरा और जो अच्छी खासी कम्युनिटी हमारे साथ अच्छी तादाद में बैठी हुई है, अपना अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करेंगे, अपना तजर्बा पर्सनल लेवल पर भी शेयर करेंगे, कुछ ऐसी सख्त बातें भी होंगी, कुछ कड़वा सच भी होगा। लेकिन साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज के प्रोग्राम के अंदर मेरा मकसद ये है एक पाकिस्तानी होने के नाते कि ये जो पाकिस्तानी मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये जो पाकिस्तान का उतना ही हिस्सा हैं जितना हम हैं, वो जो बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या ख्वाब हैं, क्या उम्मीदें हैं और क्या किस तरीके से मौजूदा सूरत हाल के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो हर किसी का हुनर भी सामने लेके आएंगे, उनका स्किल क्या है, उनका हुनर क्या है, वो क्या कर सकते हैं और दूसरे बंदे से किस तरीके से बेहतर है कुछ चीज़ों में और सोसाइटी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज इन पाकिस्तानियों से मैं बात करूँगा, इन आम शहरियों से मैं बात करूँगा और इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यस, एक कम्युनिटी को तो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उस कम्युनिटी के हवाले से बिल्कुल साइडलाइन करके बड़ी बातें होती हैं कि ओवरऑल जनरली इस कम्युनिटी के साथ साथ क्या हो रहा है, इस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है, इस कम्युनिटी के मसले मसाइल कैसे डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन कभी इंडिविजुअल लेवल पे, माशाल्लाह से 30 मेरे साथ लोग बैठे हुए हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कभी किसी ने नहीं बताया कि कौन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में माशरे के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है या करना चाहता है। तो इस सोच के अंदर, आज की सोच फैक्ट्री में हमने जाना है और इस मजबूत सोच को सामने लेके आना है ताकि आप लोग भी इंस्पायर हो। और अगर आप लोगों को भी थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ हैं क्योंकि आपकी कभी इंगेजमेंट नहीं हुई, कभी आपका 1-to-1 सामना नहीं हुआ, कभी आपको किसी ने कुछ बताया नहीं और सिर्फ सुनी सुनाई पे आप चल रहे हैं, तो आज के प्रोग्राम के अंदर ये गलत फहमियाँ हमने दूर करनी है और एक पॉजिटिव सोच के साथ इस प्रोग्राम का अख्तिताम करना है। कुछ मसले मसाइल डिस्कस होंगे, कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं वो सामने डिस्कस होंगी, लेके आई जाएंगी सामने, लेकिन उसके साथ साथ उस बात का अख्तिताम हम एक पॉजिटिव चीज़ से करेंगे ताकि आप लोगों का थोड़ा माइंड अगर थोड़ा नेगेटिव है उसको भी हम पॉजिटिव कर सकें। तो विदाउट एनी फर्दर डू प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एंड सबसे पहले मैं चाहूँगा जो भी पहले इस पूरे सब्जेक्ट पे रोशनी डालना चाहे वो आगाज़ करें, और जो लोग थोड़े बहुत कन्फ्यूजन का शिकार है उनको भी थोड़ा क्लियर करें कि ख्वाजा सरा जो एक लफ्ज़ है, जो एक टाइटल है, जो हमारे माशरे के अंदर मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में
काफ़ी बिगाड़ दिया गया है, उसकी काफ़ी गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। इस लफ्ज़ का ओरिजिन क्या है, इसका मतलब क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया के2 चैनल का जिसने इतना बड़ा मौका हमें दिया कि हम खुल के अपनी बात कर सकें। मेरा ताल्लुक मुल्तान से बेसिकली है और वहाँ से जब मैं चली तो लाहौर पहुँची, लाहौर गुरु कल्चर के साथ मेरी अटैचमेंट हुई। बचपन से तो ये चीज़ों का पता नहीं होता कि मैं क्या हूँ और मैंने कहाँ जाना है, ना हमारे वालदैन को पता होता है कि हमने ये क्या इनके साथ हो रहा है ना, जिसकी वजह से एक गलत फहमी सी जो आप कह रहे हैं माशरे के अंदर, वो सबसे पहले हमारे वालदैन के अंदर आती है जिनके हम पैदा होते हैं। तो उस गलत फहमी को दूर करने के लिए उनको बहुत सारी अवेयरनेस की उनको पहले ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली जब हम माशरे में आते हैं तो माशरे को, जब घर वालों को नहीं पता तो माशरे को क्या पता होगा, ठीक है ना। वहाँ फिर अब एक शनाख्त हमें मिलती है ख्वाजा सरा की, जो घर से ही कहना शुरू कर देते हैं, जो मोहल्ले में कहना शुरू कर देते हैं। तो एक बच्चे को ये पता नहीं होता कि वो जिस शनाख्त के साथ पैदा हुआ है, जो फार्म बे में उसकी जींस का तयन कर दिया गया है, वो तो एक मर्द की है, मगर अंदर एक जो औरत है, जो एक रूह है, रूह जिसका जिसके हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, वो जिंस की वजह से हम नहीं जुड़ते, हम एक रूहानी तौर पे एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सही है। एक जैसी तबीयत, एक जैसे माइंड वाले लोग वो ख्वाजा सरा कल्चर में फिर जाते हैं, वहाँ पे उनकी कल्चर का हिस्सा बनते हैं, बरादरी का एक हिस्सा बनना होता है, ठीक है ना। वो एकदम आते ही नहीं कोई ऐसे जा सकता बरादरी में। सही है। उसके कुछ असूल और कवानीन होते हैं, फिर वो उसको बताए जाते हैं कि बेटा आपके साथ ये होना है, ये हो चुका है, या वो घर से भाग के आया होता है या उसे घर से निकाल दिया गया होता है। सही। बेस सिर्फ यही होती है, ठीक है, कि ख्वाजा सरा आप नहीं हैं। हम भी सोचने पर मजबूर होते हैं कि उस वक्त हमारे पास भी इतनी सलाहियत सोचने समझने की नहीं होती बचपन में कि हम अपने आप का तयन कर सकें कि हम ख्वाजा सरा हैं या मर्द हैं, औरत कैसी अंदर, ये तो हम महसूस कर रहे होते हैं, ना हमारे वालदेन महसूस कर रहे होते हैं कि वो औरत क्या है। वो समझते हैं कोई नफसियाती तौर पे ये लड़कियों में बैठने की वजह से शायद ऐसा हो गया है, माँ के लाड़ प्यार की वजह से ऐसा हो गया है। कुछ ना कुछ करते हैं, उसके 18 साल का वक्त आ जाता है शनाख्ती कार्ड का, और वहाँ पर फिर उसका मर्द शनाख्ती कार्ड भी बन जाता है, मगर वो रहता है ख्वाजा सराओं के पास, किसी ना किसी तरह पहुँच जाता है एक रूहानी तौर पर। वहाँ से जब हम चलते हैं और माशरे का जब हिस्सा बनने लगते हैं तो हमारे पास काम कोई नहीं होता। एक तो एजुकेशन वहीं रुक गई, जो वालदेन का कल्चर था अपने हमारे ख़ानदान का, जो जहाँ हम पैदा हुए हैं, या सैयद फैमिली है, कोई पठान फैमिली है, कौन सी फैमिली है जहाँ हम पैदा हुए हैं, फैमिली हमारे पास सब फैमिलियों में हम पैदा हुए हैं, कोई ख़ास फैमिली का हिस्सा नहीं है हम कि इन्हीं के घर पैदा होते हैं। तो वो फैमिली हमें ओन नहीं कर रही होती, वो हमें समझ नहीं होती। उनके पास ये आज के जैसे अवेयरनेस में आ चुके हैं कि मेडिकल तौर पे इसको देखा जा रहा है कि हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, अगर हम हार्मोन्स ले के कौन सी चीज़ों को बदल सकते हैं, तो उस वक्त उनके पास ऐसा कोई गुण नहीं था। तो जब हम गुरु कल्चर में आते हैं और वहाँ पे आके जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो फिर माशा भी नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहा होता, मगर वो गुरु कल्चर जो सदियों से चला आ रहा है, ऐसे लोग जो सर्वाइव कर रहे हैं बहुत पुराने, मुग़ल दौर से भी पहले चले जाएं आप, आप उससे जितना आप पीछे जाते रहेंगे आपको ये निशानी मिलेगी, बिल्कुल ख्वाजा सरा की। तो मुखन्नस की सूरत पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, अरबी के अंदर उसे मुखन्नस कहते हैं, खुनसा मुश्किल कहते हैं। दो चीज़ें ऐसी हैं इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। लोग हम पे ये कहते थे कि नहीं ये तो लड़के हैं, ये पैदाइशी तौर पर नहीं है, ये तो ये एक कल्चर जो है वो पैदाइशी तौर पर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि भाई ये पैदाइशी है या नहीं है। उसके अंदर रूह जनाना है, एक जैसे हैं, एक जैसी तबीयत है। फिर उसमें हमारी दो कैटेगरीज आती हैं, एक में ये आता है कि वो कल्चर के हिस्सा बन गया तो ठीक है, उसके कानून उसको बता दिए जाते हैं, उसके रसूमात भी उनको समझा दी जाती है, नया बच्चा जब आता है उसको समझा दिया जाता है। मगर अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता, वो कहता है नहीं मैंने आगे जाना है, पढ़ना है मैंने या कुछ और करना है, तो वो तो गुरु के पास रास्ता नहीं होता, उसके पास उनके पास खुद एजुकेशन नहीं है, उन्होंने एक दुनियादारी को छोड़ के फ़कीरी ली थी। अच्छा, वो उसको फ़कीरी कल्चर में टच करते हैं, ठीक है, उसको सूफिया कराम के साथ जोड़ते हैं, बाबा बुल्ले शाह के साथ कंसेप्ट करते हैं कि घुंघरू पहने थे, ये किया था, यानी कि उनके रूहानी तौर पे हमारा कुदरती तौर पे माइंड इस तरफ जाता है जिससे दुआ निकलती है, जिससे लोग हमें बुलाते हैं दुआ करो, अपना बच्चा पैदा होता है तो वो उनकी गोद में दे देते हैं और वही उनके रोज़ी रिज़्क़ का सिलसिला भी वही इलाके वाले करते हैं।
सही ठीक उनके घर तक खाना। मैं चाहूंगा थोड़ा आगे बढ़े, काफी सब्जेक्ट्स टच हो गए इसके अंदर, हर कोई थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर सकता है इसके अंदर, अपना पर्सनल टच कर सकता है थोड़ा आगे। इसमें हमारे ख्वाजा सरा कल्चर से आरजू हैं जो इस्लामाबाद की रहायशी हैं नेरी, वो कुछ आपको मजीद इसके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन तालियां जय जी इनके लिए। चार पांच सब्जेक्ट आपने छेड़े हैं, काफी आपने आगाही भी फराहम की, रोशनी डाली ऐसे सब्जेक्ट्स पे, और कुछ ऐसे अल्फाज से हमें आगाह किया जिनसे अक्सर औकात जो लोग हैं वो शायद जानते भी नहीं हैं कि ये भी चीज़ें हैं साथ साथ। और कल्चर में जाते हैं आप जब, और हिस्ट्री में जब आप जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें निकलती हैं और आपको एरिया टू एरिया बल्कि कल्चर टू कल्चर मुख्तलिफ तरीके से ख्वाजा सराओं के साथ ट्रीटमेंट किया है, उनको किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर उनके साथ अगर कोई एक फ़र्क ट्रीटमेंट है तो वो क्या है। ये मुख्तलिफ रीजन्स में, मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ सकाफ़तों में एक फ़र्क सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन जैसे आपने बात की कि अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो जो मसला है वो घर से ही शुरू हो रहा है, तो जो एक डोमेस्टिक मसला है वो सोशल मसला बन जाता है। तो घर में ही अगर वो तालीम नहीं है, उसकी आगाही नहीं है और वो बर्दाश्त नहीं है और अदम बर्दाश्त का शिकार हैं घर वाले, तो फिर वो तो फिर आगे जाके मज़ीद उसको बढ़ाव चढ़ाव मिलेगा और माशरे के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। तो ये जो घर वाली चीज़ है आज़ू मैम, आप, मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी थोड़ी बहुत रोशनी डालिए। और जो इन्होंने जैसे ज़िक्र किया, जो एक हिस्ट्री चलती आ रही है, वो अब जाके करंट सिचुएशन के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर कहाँ हम देखते हैं इस पूरे कम्यूनिटी को, कहाँ देखते हैं पाकिस्तानी ख्वाजा सराओं को मौजूदा सूरत हाल के अंदर। K2 चैनल वालों की बहुत मेहरबानी, आपने हमें दावत दी, सोच प्रोग्राम में हम बैठे हैं, तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं अपनी सोच जाहिर करना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख्वाजा सरा बरादरी में बहुत पहले जाके देख लें, मुग़ल के दौर में हमारी क्या वैल्यू थी, हमारी क्या इज़्ज़त थी। वो बादशाह लोग हमें अपने बच्चों की तालीम तरबियत के लिए, अपने घरों की हिफाजत के लिए, अपनी बेगमों की हिफाजत के लिए हमें अपने घरों में बड़ी खुशी से रखते थे। वो खुशी से इसीलिए रखते होंगे कि हमें वो अच्छाई देखते होंगे। तो आज भी ऐसा ही है कि जो लोग इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको इस दौर में भी ज़माना बहुत इज़्ज़त से देखता है, उनकी बहुत इज़्ज़त करता है, रिस्पेक्ट करता है। जो तो रह रहे हैं सदियों से अपने अपने घरों में, अपनी अपनी मड़ियों में, किसी मड़ी का अरसा लगा ले 200 साल 300 साल, ऐसे बहुत पुरानी पुरानी हमारी गद्दियाँ हैं। हमारी गद्दियों का कल्चर जो है वो थोड़ा सा बहुत सख्त है। उसमें सबसे पहले मोहल्लेदारों की इज़्ज़त और अपनी इज़्ज़त को कंट्रोल में रखा जाता है और समझा जाता है, और सब के साथ बहन भाइयों की तरह रहना पड़ता है, और लोग भी हमारे साथ ऐसे ही रहते हैं। हम हर एक की खुशी गमी में शरीक होते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ बधाई लेने जाते हैं या नाचने जाते हैं, फंक्शन प्रोग्राम के लिए जाते हैं, नहीं, हमें महफिल मिलाद में भी बुलाया जाता है, हम उनके जनाजों में भी जाते हैं। किसी के घर अल्लाह ना करे, खुशी तो हर को अल्लाह दे, फौतगी भी हो जाती है, कुल्लो नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, ये भी साथ साथ है ज़िंदगी के, हम उनके घरों में अफसोस के लिए भी जाते हैं, लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। बाकी ख्वाजा सरा का सफ़र बहुत लंबा है। ये ख्वाजा सरा लफ्ज़ जो है ये हमारे पाकिस्तानी, जो हमारी पाकिस्तान की कौमी ज़बान है उर्दू, इसमें इसको अच्छा पेश किया जाता है कि ये इज़्ज़त का लफ्ज़ है। वैसे तो हर इलाके में अपना अपना नाम होता है, हमारे नाम के साथ, जैसे मेरा नाम है आरजू मलक, मैं खैबर पख्तूनख्वा या पठवार खिता में जाऊं तो लोग जो पुराने लोग हैं, आजकल तो आपको पता है मीडिया दौर है क्या क्या नाम चल गए हैं, ठीक है, जो पुराने दौर हैं आज से 20 साल पहले भी आप जाके देख लें कि बहुत इस हमारी फील्ड की, हमारे कल्चर की, हमारे गद्दी नशीन कल्चर की बहुत इज्जत थी और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये नहीं कहते कि नहीं। किसी जगह पे हमें बाबा जी करके बुलाया जाता है, ये भी बहुत इज्जत का लफ्ज़ है। सारी सी बात है, हमारे बुजुर्गों ने कुछ ऐसा किया होगा तो वो हमें बाबा जी नाम से बुलाते थे। फिर
पंजाब के इलाके में चले जाएं वहाँ पे सबको हाजी साहब मियाँ जी, हाजी साहब मियाँ जी हमारे नाम के साथ लफ्ज़ लगाया जाता है, ठीक है जी, उन्होंने हज भी की गए हैं और मियाँ जी भी है, इज्जत का लफ्ज़ है। सिंध में चले जाएं, पाकिस्तान में है सिंध, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे जितने भी आपको लोग मिलेंगे वो फ़कीर साई, अच्छा फ़कीर साई इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। एक और आवाम के जहनों में गलत फहमी है, बहुत जगह पे हमारे साथ सवाल होते हैं, हम कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, कहीं भी किसी जगह बैठे होते हैं, किसी महफिल में, गैदरिंग में, या किसी फंक्शन प्रोग्राम पे, किसी कार, बहुत हम पे ये सवाल किया जाता है कि आप लोगों के जनाजे क्यों नहीं होते। हमारे जनाजे का लोग सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं, बाकी हमारी ज़िंदगी के बारे में कभी किसी ने पूछा ही नहीं। यार आप कैसे वक्त गुजार रहे हैं, आप किस तरह अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं, इस तरह के जब भी कोई सवाल करेगा सबसे पहले यही सवाल करेगा कि आपके जनाजे कभी नहीं देखे। अब ऐसे होता है कि जनाजे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं, हमारे बुज़ुर्गों के माशाल्लाह मज़ार भी हैं, कब्रें भी मौजूद हैं, ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं ख्वाजा सरा, मस्जिदें भी हमारे बुज़ुर्गों ने बनवाई हैं, हमारे मोहल्लेदार जनाजा पढ़ते हैं, हम ख्वाजा सरा जनाजों में नहीं जाते हैं, हमारे मोहल्लेदार इलाके के जो लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो जनाजे के साथ जाते हैं। कोई एक आध ख्वाजा सरा जो पीछे उसकी वारस विरासत का मालिक बने या गद्दी का मालिक बने वो साथ जाता है मैयत के, बाकी कोई भी नहीं जाता, इसलिए नहीं पता चलता लोगों को कि ये ख्वाजा सरा का जनाजा है या किसी आम आदमी के जनाजा है। दूसरे नंबर पे जो तो मकामी होते हैं, जिनके अपने कार होते हैं, मकान होते हैं, उन लोगों का जितना भी मोहल्लेदार लोग हैं वो सब जानते हैं कि इनके जनाजे होते हैं, इनको इनका सब कुछ होता है, ये घरों में महफिल मिलाद भी कराते हैं, मजलिस इज़ा भी कराते हैं, और मोहल्ले में किसी गरीब बहन बेटी की शादी हो हम उनकी इज्जत भी करते हैं, हम उनको उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मदद इमदाद भी करते हैं जो हमसे हो के आए। ये काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हैं जो अभी तक लोगों को इतना अरसा हो गया पता नहीं चली हैं, इतने प्रोग्राम भी हुए हैं, इतनी मीडिया पे बातें हुई हैं, जो हमारी ख़ास चीज़ें हैं जो हमारे गद्दी कल्चर को अभी तक ज़िंदा लेके चल रही हैं, उन लोगों पे, उन चीज़ों पे ना तो मीडिया नज़र डालती है ना आवाम नज़र डालती है, ठीक है। आज से 10-15 साल पहले जाके देख लें, ये रोडों पे मांगना, मार्केटों पे मांगना, इशारों पे खड़ा होना बिल्कुल नहीं था। ये एक तो वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं, उनको और रोज़ी का ज़रिया नहीं मिलता, वो अपना गुजारा चलाते हैं किसी ना किसी ज़रिए से, ठीक है ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कुछ लोगों के माँ बाप की भी गलतियाँ हैं, वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि एक बंदा पता नहीं किस तरह वक़्त गुजार रहा है और किस तरह कमा रहा है, उस पे पूरे घर वालों का बोझ पड़ जाता है, इस तरह बोझ पड़ जाता है कि जो काम करते हैं वो भी छोड़ के बैठ जाते हैं, वो कमा रहा है ना, उसके सर पे इतना बोझ पड़ जाता है कि वो ना जाने कैसे कैसे जरिए से फिर अपने घर वालों का पेट पालने के लिए भी घर से निकलता है, जैसे भी उसको रोजी कमानी पड़े वो कमा लेता है। ये घर वालों को भी सोचना चाहिए कि हमने इसके सर पे इतना बोझ डाला हो गया, हम ख्याल तो करें कि ये इतना पैसा कहाँ से लेके आ रहा है, ये किस तरीके से कमा रहा है, कितनी मुश्किलों से गुजर के कमा रहा है। ये सब की मिली जुली ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो हम मैं अपनी फैमिली को अच्छा करूँगी वो अच्छे हो जाएंगे, मैं अपनी फैमिली को बिगाड़ूंगी वो बिगड़ जाएंगे, ठीक है। जिनको चस्का पड़ जाए वो आपको पता है कि नहीं रुकते हैं। बाकी दूसरे नंबर पे हमारी ख्वाजा सरा बलादरी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत है, जो इज्जत के साथ अपने घरों में रहते हैं, मड़ियों में रहते हैं, बहुत ही प्यार से अपने मोहल्लेदारों के साथ रहते हैं। आप थाने कचहरियों में जाके पूछ ले जो जद्दी ख्वाजा सरा, उनकी कभी कंप्लेन आपको नहीं मिलेगी सदियों में एक भी, ना उनके खिलाफ कोई कंप्लेन कराएगा, ना वो किसी के खिलाफ कंप्लेन कराएंगे, ना उन पर कोई मुकदमा करेगा, ना वो किसी पर मुकदमा करेंगे। एक मकान का इशू उठता है जो जब हमारे गुरुजी बुजुर्ग जब दुनिया से जाते हैं वो अपने चेले के सपुर्द कर जाते हैं, जो उन्होंने अपने घर बच्चा पाला होता है। अब जिसने खिदमत की है 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, कई कई ऐसे बुजुर्ग भी हैं, ऐसे भी हमारे बरादरी में हैं जिनको खिदमत करते करते 50-50 साल हो गए हैं और वो अभी तक खिदमत कर रहे हैं, वो अपने दायरे से, फकीरी गद्दी से, दायरे से बाहर नहीं निकले।
जाते वक्त अगर उनको गुरु 20, 25, 30 साल की खिदमत का सिला कर दे के जाता है, अगर उसके पास कुछ जन्म पूंजी हो वो दे के जाता है, कोई वो जुर्म नहीं करता, वो अपनी आखिर संवारता है। हक भी उसी का बनता है कि जिसने खिदमत की हो। ख्वाजा सराओं की गद्दियां जो हैं वो वक्फी ख्वाजा सराओं के नाम होती हैं। जितने भी ख्वाजा सराए हैं हमारी बरादरी में, जितने भी ख्वाजा सराए हैं पूरे पाकिस्तान की बरादरी में, जो जद्दी रह रहे हैं, जो जद्दी रह रहे हैं, उनकी आप गद्दियों की बैकग्राउंड जाके देखें कि कितने कितने पुरानी वो गद्दियां, और मोहल्लेदारों से पूछें जाके कि ये किस तरह का यहाँ पे रहन सहन है इनका, इंशाल्लाह आपको खुशबू ही आएगी। लोग इज्जत से यही, प्यार से यही आपको बताएंगे, जी नहीं हमारे बाबा जी बहुत अच्छे हैं, हमारे मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह खुद को भी हमें कुछ अपने आप को चेंज करके मुआशरे में रहना पड़ता है, रखना पड़ता है, कि लोग हमें उंगली उठाने के बजाय हमें चुप के मिलें, हमारा हाथ अपने सर पे रखें और कोशिश करें कि हम इनसे दुआ लें। सही, ठीक है जी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह और लोगों को भी थोड़ा सा मौका देंगे और बात नहीं डाली आपने। आखिरी बात बोलना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाजे होते हैं जी, आप हमारे मोहल्ले में आके पूछें, हम आपको कब्रें दिखाएंगे और बड़ी शानो शौकत से जनाजे होते हैं, दसवें होते हैं, चेलम होता है, कुल होता है। हमारे इलाके के मौलवी साहब, हमारे मदरसे के बच्चे हमारे घरों में आके कुरान खानियाँ करके दुआएं करते हैं हमारे बुजुर्गों के लिए, और बहुत ही इज्जत के साथ और एहतराम के साथ हम अपनी रस्मों को अदा करते हैं। थैंक यू जी। जी सबसे पहले तो मैं पूरे आपकी के2 चैनल के सब यानी कि कमेटी पूरी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने हमें एक मौका दिया, एक हमारी अंदर वाली हबड़ाश जो है, जो गुस्सा है हमें, वो हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे सब सच बोलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम सबा कुल्ला, मैं बेसिकल एबटाबाद की पैदाश हूँ और 17 साल से रावलपिंडी में हूँ। बहुत सारी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं, इतनी मुश्किलात आई हैं यानी कि हम बार बार इस ज़िंदगी को झेल झेल कर मर मर कर अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले ख्वाजा सराओं कल्चर कमेटी जो है, उनमें रिश्ते हमारे होते हैं गुरु चेले का और माँ बेटी का। जो रिश्ते हमारे माँ बहन बहनों से, बाप से, चाचा ताया नानी से ज़्यादा गहरा हो जाता है, वो जो हमें जोड़ कर रखता है, ये सबसे गहरा हमारा रिश्ता बन जाता है। इन रिश्तों से चाहे कोई भी दुनिया की ताकत हमें जुदा करे, हम जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि हमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपनी ज़िंदगी का बोझ खुद उठाना पड़ता है। जहाँ ना हमारे बाप की कोई हेल्प होती है, ना माँ की होती है, ना बहनों भाइयों की होती है, ना अजीज़ रिश्तेदारों की होती है। ज़ाती मेरी जो ज़िंदगी थी उसमें यही मेरी मुश्किलात आती रही। मेरे वो अजीम रिश्ते थे जिस रिश्ते से मैंने अपने बाप की जायदाद को ख़ुद अपने आप को आग किया था। जब मैं घर से निकली, उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं, मारा नहीं, गाली नहीं दी, पर मेरे ऊपर वो जैसे बकाया बच्चों के ऊपर तवज्जो देते थे, इस तरह की तवज्जो मेरे ऊपर नहीं थी। मैं अपनी ज़िंदगी के हर दुख सुख का साथी मैं अकेले बनकर अपनी ज़िंदगी को गुजारती थी, एक बात यह। दूसरी, मैंने 17 साल 18 साल यानी कि मेहनत करते 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 मैंने उन अजीम रिश्तों को फिर दोबारा अपने पास जोड़ कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह खुसरो में चेला भी हूँ, बेटी भी हूँ, उस कल्चर के साथ हूँ। मगर माशरे की जहाँ तक बात आती है, माशरा तो ना आगे से गुजरने देता है ना पीछे से गुजरने देता है। जिस तरह हमारी ज़िंदगियों में जहर घोला जाता है, जैसे हमारी ज़िंदगियाँ गुजर रही होती हैं, अगर कोई हमारी जगह में 5 मिनट आकर सोचे, उसे पूरी ज़िंदगी का निचोड़ नज़र आ जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी हमारी आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती हैं। मेरा ये पूरे पाकिस्तान के आवाम से यही सवाल है, क्या अल्लाह हुजूर एक अकेला वही अच्छा होता है? इंसान अकेली ज़िंदगी गुजारना किस तरह गुजरती है, कैसे गुजारते हैं, ये हम ख्वाजा सरा जानते हैं, ऊपर खुदा जानते हैं। कौन बुरा है, कौन अच्छा है, ये उसका और बुराई का और अल्लाह का तल्लक है, क्योंकि हम तो बुरा किसी को नहीं कहते। बुरा अगर हम किसी को कहते हैं, सबसे बुरे तो हम खुद हैं। कोशिश कर रहे हैं, मैं सबा गुल सफ़र की प्रेसिडेंट भी हूँ और मैडम आरजू नायब सदर भी हैं,
और हमारी कोशिश है, हमारी कमेटी के काम कर रही है, जो इस तरह के बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, कोई भी ऐसे गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, उन्हें हम राय रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह की हम विजिट कर रहे हैं, जगह जगह के हम विजिट कर रहे हैं और पास बैठा कर उन्हें समझाते हैं। यकीन अल्लाह पे रखो, रोज़ी वो देगा, बुराइयों से रोज़ी नहीं मिलती। जो आप बुरे काम करके रोज़ी कमाते हो, वो अच्छा काम करके भी आप रोज़ी कमा सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह माशरे के अंदर कुछ लोगों ने, कुछ मर्दों ने गलत सोसाइटी में, यानी कि गलत दावत दे दे कर गुनाह की तरफ उन्हें गलत लाइन पे लगा रखा है। उसकी वजह यह है, यानी कि यही पाकिस्तानी हमारे साथ तावन करें, हमें अच्छे रास्ते पे लाएं। हम खुद अच्छा बनना चाहते हैं, हम गुनाह से बचना चाहते हैं, हम वो गुनाह नहीं करना चाहते जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जो अल्लाह के महबूब को पसंद नहीं है, क्योंकि हमने भी मरना है। मरने मौत का मुंह तो 24 घंटे खुला रहता है, हमें उस मौत के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक, हमें वो अमाल तैयार करने चाहिए। मैं जो मैं अमाल इस बात को पकड़ना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो, जो आपने बात की कि बुराई की तरफ जाना हमेशा ज़रूरी नहीं होता, जब एक मजबूरी से, अब ये एक ऐसी चीज़ है जो बाकी सारे पाकिस्तानी इससे बड़ा रिलेट करेंगे कि मजबूरी के तहत आपको कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ जाए, क्योंकि आपको इतनी दुश्वारियों से गुजरना पड़ा और आपको वही रास्ता फिर आखिर में मिला और आपने गलत रास्ता चुन लिया। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, इसी प्रोग्राम को मैं 5 साल से कर रहा हूँ, नौजवानों ने बड़े बहाने बनाए हैं कि भाई मेरे पास आखिर में कोई और कोई चारा ही नहीं था और मैं इस बुराई की तरफ चला गया और मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मुझे वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मुझे वहाँ से नहीं मिल रहा था। लेकिन आपने एक खूबसूरत इतना एक एग्जाम्पल दिया कि इतनी दुश्वारियों के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद आप खुद एक ऐसी तंजीम चला रही हैं जिससे आप बाकियों को भी रोक रही हैं कि मजबूरियाँ जितनी भी बढ़ जाए, मजबूरियाँ जितनी भी बढ़ जाएँ, मुश्किलात जितनी भी बढ़ जाएँ, बुराई उसका जवाब नहीं है। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई बात हो नहीं सकती और मेरे ख्याल से जो लोग भी देख रहे हैं इस वक्त, इससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल के हालात के हवाले से अगर हम बात करें तो हर किसी के पास कोई बहाना है। अब माशी हालात का ये मैं अगर जिक्र कर लूँ तो हर किसी के पास बहाना है कि भाई हालात हैं ही इतने ख़राब, हमें कोई जुगाड़ ही निकाल लेनी चाहिए, हमें कोई ऐसा रास्ता अपना लेना चाहिए जिससे हमारे हालात ठीक हो जाए। और अक्सर अवकात वो रास्ता होता बुराई है। लेकिन आपने जो एक अपना तजर्बा शेयर किया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद 17-18 साल का आपका एक तजर्बा रहा, उसके बावजूद आप में फिर भी एक वो एक हौसला था, एक पॉजिटिविटी थी कि ना सिर्फ खुद बल्कि बाकियों को भी आप इंस्पायर करें, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम आप कर रही हैं और दोबारा से जी तालियाँ होनी चाहिए इनके लिए। जी देखिए जी, हमारा ख्वाजा सराँ कमेटी जो है ना, कल्चर जो है, इसमें यानी कि हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ करते हैं, क्योंकि हमारी कमेटी, हमारा ख्वाजा सराँ बदनाम होते हैं। अच्छा। जो ऐसा काम करने वाले होते हैं ना, जहरी बात है, उनके पास कोई मसले का हल नहीं होगा, रोज़ी रोटी का हल नहीं होगा, वो भी एक मजबूरी के तय पे करते हैं। दो बंदों की रजामंदी होती है तब भी होते हैं ना, एक बात। दूसरी यानी कि ज़बरदस्ती भी ऐसा किया जाता है जी, नशा तमाशा करके, यानी कि नौजवान आ जाते हैं, घरों में आ जाते हैं। जहाँ तक मेरी सोच है, जिस महल्ले में मैं रह रही हूँ, जिस महल्ले में आप जाकर मेरी तारीफ सुनें, मेरी अच्छाई देखें, मैं अपने महल्ले में किसी को बैठक और गली नहीं, मकान नहीं लेने देती, एक बात। दूसरी बात यानी कि वो जगह ऐसी है, सब पठान ही पठान होते हैं, अपनी इज्जत को ख्याल करते करते, यहाँ मेरी से ख्याल है, मेरी एज 65 साल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। पाकिस्तान का कोई भी शहरी कह दे, हम सबा गुल के पास बुराई के लिए गए हैं हमेशा के हमेशा, यानी कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, मैं कहती हूँ मैं ऐसी नहीं हूँ, माशाल्लाह। इसलिए मैं दुआ करती हूँ अल्लाह हमारी कमेटी की, हमारे ख्वाजा सराओं की और जनानों की, सब की अल्लाह ताला की ज़ात मदद फरमाए। सही। एक बात बोलना चाहती हूँ मैडम सबा जी, सॉरी आपसे मैं एक लिया, मैंने एक बात बोलना चाहती हूँ। जो हमारा गद्दी कल्चर है उसमें इन चीज़ों की बहुत सख्त पाबंदी है। अच्छा। वहाँ पे शाम को 8 बजे ताले लग जाते हैं, सुबह नमाज के बाद खोलते हैं, वो भी हमारे गुरु जिनके पास चाबियाँ होती हैं। तो इसीलिए इस दौर में आप देख लें, जाके हमारी गद्दियों का सर्वे करें, हमारी गद्दियों में ख्वाजा सराब बहुत कम है। आपको 2-4-5 मिलेंगे भी तो वो भी बुजुर्ग,
ٹھیک ہے خواجہ سرا بہت کم ہے, اس لیے ہمارے پاس کام ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ اعتراض ہے, ہم ان چیزوں کو لائق نہیں کرتے, نہ ہم لائق کرتے ہیں نہ ہمارے محلے دار ان چیزوں کو لائق کرتے ہیں. ہم نے اپنا وہاں پہ رہن سہن ایسا بنایا ہوتا ہے, بہت ہی لوگ جو ہے نا وہ بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں جو بزرگوں سے ایک نام بنا ہوا ہے, عزت بنی ہوئی ہے, اس کو ہم قائم رکھیں, اور اپنی عزت کو, اپنے بزرگوں کی عزت کو, اپنی گدی کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے ہم کبھی بھی اپنے شاگردوں کو, اپنے چیلوں کو اس طرف نہیں جانے دیتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی جو ایسے ہیں خواجہ سرا, ہم ان کی بھی منت کرتے ہیں کہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیں, جو ہمارے ماتھے پہ ٹکا اس خواجہ سرا سے اب دوسرا ٹکا لگ رہا ہے, اس کو پلیز روکیں اور بچائیں ہماری گدیوں کو, ہمارے کلچر کو بچائیں, اس کو الٹی طرف گندی طرف نہ جانے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام ملائکہ ہے, میں لاہور سے بلانگ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, میرا سب سے پہلے یہی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ شروع میں تو نہیں اتنا پتہ چلتا نا, جب تھوڑا سی اویئرنیس آتی ہے, آپ کو تھوڑا شعور آتا ہے, سمجھ آتا ہے کہ میں کیا ہوں, اس کی اگر کوئی ہیبٹس ہیں سم تھنگ, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لڑکیوں والی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں اس کی کوئی وہ ذاتی تو نہیں ہوتی, نہ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہوتا ہے, یہ تو ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی انسان خود کو, کوئی بھی انسان ہے وہ خود کو ایسے نہیں چاہے گا کہ میں شیمیل بنوں یا میں خواجہ سرا بنوں, کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا, لیکن جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے ہوتا ہے, روحانی طور پہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو جو والدین ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اس کو چھوٹی چھوٹی بات کو ٹیز کرنا کہ یہ جو زنانہ ہے, یہ خسرا ہے, یہ خواجہ سرا ہے, تو کائنڈلی میری ایسے لوگوں سے درخواست ہے جن کے گھر میں یہ بچے ہیں, ان کے ساتھ تھوڑا سا پیار کریں, ان کو تھوڑی سی اویئرنیس دیں. محلے والے اگر دیکھتے ہیں تو تھوڑا خدا رہا وہ بھی انسان ہوتے ہیں, ان کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے, وہ کہ آسمان سے وہ خود نہیں, اپنے خود بخود کوئی نہیں بنتا, جو چاہ جو وہ خالق ہے, وہ خالق کائنات ہے اللہ پاک, جس کو جو چاہے بنا دے, عزت بھی وہی دیتا ہے, ذلت بھی وہی دیتا ہے, انسان کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. والدین اپنے بچوں پہ اگر تھوڑا سا غور کریں, اس ایسے بچوں کو تھوڑی سی محبت دے دیں, ان کے ساتھ وہ جو آپ نفرت کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو میرے دوسرے بچوں سے بالکل الگ ہے, یہ خواجہ سرا ہے یا یہ خسرا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا پیار کریں, ان کو اویئرنیس دیں, ان کے ساتھ رویہ ایسا کریں کہ وہ آپ کو لگے کہ نہیں یہ بھی میرا بچہ ہے, اس کو یہ فیل نہ ہو کہ شاید میرے ماں باپ جو ہیں نا وہ میرے ساتھ دوسرے بہن بھائیوں والا سلوک میرے ساتھ نہیں کرتے. اگر وہ ایسا ہے تو وہ کیوں ہے, اس کا کوئی اپنا اس میں ذاتی تو کوئی پرسنل اس میں تو نہیں کرتا نا, میں ہوں, میں جان بوجھ کے تو نہیں چاہوں گی کہ میں گزروں تو محلے کے لڑکے مجھے چھیڑیں, ٹھیک ہے, تو وہ جو رویے ہوتے ہیں نا انسان کی زندگی پہ وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. پھر ایک وقت کرتے 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 وہ بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب وہ آپ کو, ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ان کو بالکل وہ اپنے آپ سے ہٹ کے محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں میں ان کا حصہ ہی نہیں ہوں. ایک وقت آ جاتا ہے, مجبوری بن جاتی ہے کہ نہیں یہ لوگ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اس کو جب اپنے جیسے لوگ باہر ملتے ہیں, اس کو گھر سے زیادہ محبت اپنے لوگوں میں ملتی ہے, ان کا پیار ملتا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں نہیں یہ ہمارا حصہ ہی نہیں ہے. اور جو والدین ہیں ان کی نفرت کی انتہا اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں چھوڑو اس کو, بس نہیں ہے یہ, نہیں ہے یہ ہمارا ہے ہی نہیں, چھوڑو اس کو. زبردستی بعض اوقات بعض لوگوں سے مختار عام کروا لیے جاتے ہیں, کسی کے ساتھ کچھ, کسی کے ساتھ کچھ. ہم بھی تو انہی کے بیٹے ہیں نا, کبھی کسی نے بیٹے ہیں بیٹیاں جو بھی ہیں, ہمیں اللہ نے بنایا ہے, ہمارے اپنے بس کی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو, آگے لے کے چلوں گا اس بات کو, جہاں آپ نے بات کی کہ والدین کے نفرت کی حد تک لے جاتے ہیں, تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام فہم, ایک چیز میرے اپنے تجربے میں, ایک اینکر پرسن ہونے کے تحت, جہاں برائی ہے جہاں نفرت ہے اس میں زیادہ جو کامن چیز نظر آئی ہے وہی آئی ہے کہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کسی چیز کی وہ نفرت سے اظہار کرتے ہیں پھر آگے سے. تو والدین کی بھی یہی ایک میرے خیال سے کہ تعلیم اتنی نہیں ہے, اتنی آگاہی نہیں ہے, کہ ان کو جب سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ وجہ کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, تو پھر وہ نفرت کا ایک ذریعہ رہ جاتا ہے ان کے پاس. تو ان کو میرے خیال سے والدین کو سب سے زیادہ ایک آگاہی دینے کی ضرورت ہے, تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ ایسی سچویشن میں, ایسے کیس کے اندر آپ نے کس طریقے سے رویہ رکھنا ہے, آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے, ورنہ وہ جو ریجیکشن ملتی ہے اولاد کو, آپ نے جیسے خود ذکر کیا, تو وہ ریجیکشن کے بعد یہاں بھی نفرت آنی شروع ہو جاتی ہے, پھر اس دل میں بھی پھر نفرت آنی شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ جب باہر جاتے ہیں ایک ریجیکشن کے ساتھ,
نفرت کے ساتھ اینڈ لٹرلی گھر والوں کی ایک بالکل ٹھکراؤ کے بعد تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی باہر معاشرے میں جا کے باقیوں پہ وہ نکالے. یہاں سے پھر برائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں, یہاں سے جیسے آپ نے ذکر کیا غلط رستہ بھی اپنا لیا جاتا ہے. تو سب گھر میں اگر ایک ایکسیپٹنس آ جائے, ایک مطلب کہ اپنائیت آ جائے کہ ٹھیک ہے یہ ہے, یہ میرا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس کو میں نے سمجھنا ہے, اس چیز کے اندر میں نے جانا ہے اور اس چیز کو پیار سے ہی میں نے ڈیل کرنا ہے اس پرٹیکولر کیس کو. اور اس کے بعد جب وہ ایک امپاورمنٹ ملتی ہے خواجہ سراؤں کو تو وہ معاشرے کے اندر کیا کیا نہیں کر سکتے, اور اسی پیار کو پھر وہ باہر لے کے جاتے ہیں, اسی کانفیڈنس کو باہر لے کے جاتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کے ذریعے بہت اچھے اچھے کام بھی کر سکتے ہیں. تو آپ بہت شکریہ آپ نے اس چیز پہ بھی ہائی لائٹ کیا. السلام علیکم. جس طرح میڈم لائکا نے کہا کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہی ہم اپنا جو رستہ ہے وہ غلط اختیار کرتے ہیں. اگر وہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح فیل کریں, ہمیں سمجھیں اور ہم اس برائی کے رستے پر نہ آئیں, تو میں جتنے بھی ماں باپ ہیں دنیا پہ ان سے یہ گزارش کروں گی کہ اگر آپ کے گھر میں ایسے بچے ہیں تو آپ انہیں سپورٹ کریں تاکہ وہ برائی کی طرف نہ آئیں. شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. دیکھیں جیسے آپ نے سنا ہے کہ گھر والوں کی بات وہیں سے شروع ہوتی ہے نا, اسٹارٹ تو وہیں سے ہوا. جی. اب کلچر کے پاس بھی ایک باؤنڈری ہے, گھر کی بھی ایک باؤنڈری ہے اور کلچر کے پاس بھی ایک باؤنڈری ہے. صحیح. درمیان میں اب جو ٹرانسجینڈر جو ہمارا ایک نام چل رہا ہے اس ٹائم, وہ اب کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس ٹائم, وہ بھیک مانگ رہے ہیں, وہ اور دوسرے کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں جو غیر قانونی ہو جاتے ہیں نا. تو اس سے اس کلچر کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور اس ان کے گھر فیملی سے بھی کچھ نہیں, وہ ایسا کچھ سیکھ کے آیا. اچھا. اب وہ اس کلچر کی بھی ایک پابندی ہے, اگر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو پھر اس نے کہاں جانا ہے؟ اس نے اس روڈ پہ کہیں کمرہ لینا ہے, کہیں بیٹھک لینی ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس نے نا, رہنا تو ہے, اس نے پیٹ تو کمانا ہے, اس نے رہنے کے لیے اس کو لیے. اب بھیک ایسا ہے کہ ہمارا ہم لوگ مانگ کے ہمارا گزارا ہوتا ہے, ایک کلچر ہے نا ہمارا. ہمیں لوگوں کے جو ہمیں دیں گے اس سے ہمارے گھر کے چولہے جلنے ہیں. وہ جو امداد ہے اور ہیلپ خواجہ سراؤں کی کلچر والوں کی جاتی ہے, وہ باقاعدہ اس طرح کی جاتی ہے جیسے کہ دینا لازم ہے. سال میں اگر گندم نکلی ہے تو ان کا حصہ پہلے نکالو, ان کی چینی ہے تو چینی ان کو دو, ان کو بکریاں ہیں, بکری میں سے ایک بکری نے چار بچے دیے تو ایک بچے ان کو دو. صحیح. تو یہ اسٹرانگ ایک طاقت ہے اکانومی طور پہ, کہ اکانومی وہ پاورفل ہے, گھر ہے, جائیداد ہے, وہ آپ سے نوکری مانگنے نہیں آ رہے. وہ آپ سے کوئی معاشرے کا ایسا کام لے کے آپ سے اسکلز لینے نہیں آ رہے, کوئی ٹریننگ لینے نہیں آ رہے, کوئی کالج میں داخلہ لینے نہیں آ رہے. ان کے پاس ابھی ٹائم ہے. اب وہ ان لوگوں کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے جہاں کام ہے, جو گھر سے نکلے, جو خواجہ سرا کلچر میں بھی نہیں گئے. صحیح. ٹھیک ہے نا, انہوں نے اپنا پروفیشن جون سا ایک عام طریقے کا جس میں بدنامی ہے اور حکومت اب بھیک مانگنے والے ہمارے خواجہ سراؤں کو روز 20-25 کو پکڑتی ہے, روڈ سے اٹھایا, جیل میں ڈالا, وہاں سے عدالت گئے, وہاں سے 20-25,000 کی ضمانت ہوئی, پھر وہ آئے, پھر آ کے پھر روڈ پہ کھڑے ہوئے, پھر کسی دن پکڑے گئے. یعنی کہ یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے. بالکل. حل اگر خواجہ سرا ان کو سمجھاتے تو کہتے گرو آپ پھر ہمیں رکھے, ہمیں دیں سب کچھ. وہ پھر اصول پورے کرنے پڑتے ہیں, اصول میں پھر اس نے گھر کا اخراجات اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. جی. اس ٹرانسجینڈر نے اپنے گھر میں بھیجنا ہے, اپنی بیوہ بہن کو بھی دینا ہے یا کسی اپنے ماں باپ کو, کچھ نہ کچھ دینا ہے اس نے. صحیح. اولاد کی حیثیت سے چاہے وہ گھر نہیں بھی جاتا تو وہ تو ان کا تو گھر اپنے پاس ہوا نا. خواجہ سرا کلچر میں آ کے تو سیف ہو گئے, آپ کا اینڈ بھی مرنا بھی وہیں پر ہی ہے. مگر یہاں رہ کے ہو سکتا ہے کہ درمیان میں وہ اس کی اس جنس کی وجہ سے کہے کہ تم تو لڑکا تھے, تمہاری تو ہم نے شادی کرنی ہے. مثال کے طور پہ وہ شادی شدہ زندگی گزارنے کے اوپر چلا جاتا ہے, پھر وہ خواجہ سرا کلچر اس کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا. اچھا. کہ شادی شدہ اس کلچر کا حصہ ہی نہیں ہو سکتا. اچھا. ٹھیک ہے نا, بچوں والا کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ خواجہ سرا کہلائے یا اس کلچر میں آئے, یہ پہلی ان کی شرط ہوتی ہے. صحیح. چاہے آپ جو بھی ہیں, کلچر کے اندر اس کی ممانعت ہے. ٹھیک. اچھا, اس میں میرا ایک سوال اٹھتا ہے کہ جیسے آپ نے کلچر کا ذکر کیا اور ایک کلچر مجھے ایسا سمجھ آ رہی ہے کہ کلچر کے اندر کچھ باؤنڈ سیٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اس کلچر کے اندر سوسائٹی کے اندر مرج کرنا, سوسائٹی میں ساروں کے شانہ بشانہ چلنا, وہ کس طریقے سے انکریج کیا جاتا ہے؟ وہ ایک خواجہ سرا کلچر سے نکل کے باقی شہریوں کے ساتھ, باقی پاکستانیوں کے ساتھ
साथ शाना बशाना काम करना, कंट्रीब्यूट करना, ये किस हद तक इंकरेज किया जाए? ये देखें ना, ये तो जब आप गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं, जैसे आजकल एक्स कार्ड का हमारा बनाया जा रहा है, ठीक है ना, कि एक शनाख्ती बिल्कुल अलग कर दी। तीसरी दुनिया तो आप लोग हमें बना के खुद ही एक साइड पे कर रहे हैं ना, माशरे में आप शामिल कर ही नहीं रहे हैं। ख्वाजा सरा उसको एक्सेप्ट नहीं करते एक्स कार्ड को, वही जो शनाख्ती कार्ड है जिससे वो पाकिस्तान के शहरी होने का हक भी रखता है और अपनी जायदाद का लेन देन का भी हक रखता है, सब कुछ वो करता है। तो फिर कैसे वो इस शनाख्ती कार्ड को कबूल करें जो कि जिसकी तादाद इस टाइम पाकिस्तान में 2000 है और जो मर्दमशुमारी की है उसकी तादाद 10,000 है पूरे पाकिस्तान में। तो इनको देखें तो हमारे पास जो हमारे घरों में ख्वाजा सरा के पास जो खाते रजिस्टर्ड हैं हमारे बच्चों के चेलों के, तो वो तो लाखों की तादाद में जाते हैं। और उसके अलावा जिसको अभी एक्सेप्ट करते हैं, जिनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनकी तादाद उससे कहीं ज़्यादा है ट्रांसजेंडर की। जो बातें घरों तक ही रह गई हैं वैसे। हाँ नहीं, बात अब घर तक नहीं है, बात अब रोड पे आ गई है। बिल्कुल। अब सामने जो फ्रंट चेहरा नज़र आ रहा है वो मजलूमियत का नज़र आ रहा है, वो जी इनको कोई पूछता नहीं है, इनको तालीम नहीं है इनके पास, इनको स्किल्स दी जाए, उसमें कुछ एनजीओ मैदान में आई। अच्छा, उन्होंने आके किसी ने ट्रेनिंग्स करवा दी इनको, ब्यूटिशियन का कोर्स, वो बस वो उसे काम ही ना आया। वो लाखों रुपए तो पीछे से डोनर्स इसलिए देता है ना कि आप जाके करें। मैं 12 साल से बड़ी माह में वजीर आजम हाउस के पीछे ये सफ़र तंजीम अपनी चला रही हूँ जिसकी प्रेसिडेंट और नायब सदर आपके सामने बैठी हुई हैं, और हर मीटिंग्स में मैं जाती हूँ, हर मीटिंग्स में हम क्या गवर्नमेंट के साथ जाके बात करते हैं, मगर वहाँ पर जो फंड्स हैं वो एनजीओ सेक्टर को जाते हैं। वो कहते हैं आप पढ़े लिखे नहीं हैं। अब हम पढ़े लिखे ना होने की वजह से किसी पढ़े लिखे को लेकर आते हैं तो वो हमें वहाँ तक उस इंग्लिश तक नहीं पहुँचने देता जहाँ जो उर्दू हम बताते हैं वो इंग्लिश वो आगे नहीं बताता। सही। वो मसला सिर्फ फंड तक होता है और वो कुछ लोग उसको बैठ के डील कर रहे होते हैं और कुछ 2-4 ट्रांसजेंडर को उन्होंने हायर कर लिया जिन्होंने बीए किया हुआ है, जिन्होंने एनजीओ वाले निज़ाम से थोड़ा अब आगे जाने की ज़रूरत है। बेसिकली बात ये है, ये हमें लोकल जैसे हमारी तंजीम है। अच्छा, आपने एक बात की, अब प्रोग्राम को थोड़ा मैं ज़्यादा पर्सनलाइज करना चाहूँगा। आपने कुछ जैसे बात की कि हम फिर महदूद रह जाते हैं कि ब्यूटिशियन कोर्स हो जाता है, मेकअप का कोर्स हो जाता है, एक कुछ मखसूस तबकों तक रह जाते हैं कि भाई इससे अलावा कुछ स्किल सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ अच्छी तादाद में बैठे हुए हैं आप लोग हमें बताइए कि आपका अपना पर्सनल स्किल क्या क्या है। कुछ लोग ऐसी चीज़ करना जानते हैं जो शायद उसमें उनके पास वो मौका नहीं है सोसाइटी के अंदर, या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। खुद का कोई ऐसा हुनर है जिसके हवाले से आप खुद कहें कि भाई इंडस्ट्री एक ऐसी एग्जिस्ट करती है, मैं भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो अपना अपना एक कोई तजर्बा बताइए कि मेरे मुताबिक मैं ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ लेकिन मौका नहीं मिला मुझे सोसाइटी के अंदर। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ आ जाए हमारे पास। बेसिकली मैं आप लोगों से आपके शौक की बात कर रहा हूँ, आपको किन चीज़ों का शौक है, क्या आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको लगता है कि इसके अंदर मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, उस शौक की मैं बात करूँ। अपने शौक के हवाले से बताने में क्या झिझक, मुझे नहीं समझ आ रही, वैसे नहीं होनी चाहिए, दिल खोल के बताइए जी। देखिए प्लीज़ मेरी बात सुने, शौक तो हर किसी को है, यानी कि पेट पालने का। अगर इनके पास ये ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर है, अगर इनके पास इतना जहन होता, इतनी सोच होती, इनके अंदर वाली औरत जो अगर वो मर्द बनकर सोच रखती तो फिर तो कुछ हो सकता था। बस इनका शौक एक ही है, मेकअप करना, ड्रेस पहनना, भीख मांगना, फंक्शन करना, गुरुओं साईयों की खिदमत करना। जहाँ तक औरत जिन्स के जितना करीब जा सके वो, हाँ, बेसिकली वो, क्योंकि ऐसी सोच मेरे ख्याल में इनके दिमाग में नहीं आती। हमें कोई बिजनेस करना चाहिए, कोई कारोबार करना चाहिए। मैं बजाती खुद एक बिजनेस मैन हूँ, मेरा भैंसों का फार्म था और मैं घर पे यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने गुजर बसर करती हूँ। आज दिन तक मैं अपनी गुरुओं साईयों के साथ जाती हूँ, बकाया यानी कि किसी शारे पे खड़ा होना, भीख मांगना, फजूल बात करनी, ये मेरे नॉलेज से अभी तक नहीं गुजरा। मैंने जितने दुख तकलीफ़ें बर्दाश्त की अपने जिस्म की। तो आपका ये बिजनेस वूमन बनने का कहाँ से एक आया? मेरा एक शौक था जी, वो जानवरों का शौक था। मेरी शौक क्या थी, मक्की की बोरियाँ हो बहुत ज़्यादा मेरे इर्द गिर्द पड़ी हो, बकरियाँ हो, मुर्गियाँ हो, गाय हो, मैं उनके बीच में फिरती रहूं, बस ये मेरा शौक था अभी तक। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं अभी तक। इसी तरीके से आप सारों का भी एक इस तरह का कोई शौक तो होगा जो बेशक एक तकमील तक ना पहुंचा हो या फिर मौका ना मिला हो, लेकिन मैं उस ज़हनियत के अंदर थोड़ा जाना चाह रहा हूं, क्योंकि हर इंसान का एक शौक होता है जो दबाया जा रहा होता है, लेकिन दिल में रहता है वो। मैं वो सुनना चाह रहा हूं। बस इसी शौक की वजह से तकरीबन मेरे भाइयों ने मेरा 1.5 करोड़ का नुकसान किया है।
सही, तो फिर मेरा बस टूट गया सही। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ जी, मेरा शौक है सिर्फ फंक्शन करना और घर में रहना और तैयार श्यार होना, बस यही शौक है, सिर्फ फंक्शन का शौक है बस। फंक्शन सिर्फ फंक्शन करती हूँ और मैं भी भिक्षिक नहीं मांगती ना बाहर जाती हूँ। इसकी वजाहत की, घर में रहती हूँ। फंक्शन क्या मतलब? फंक्शन डांस शो, शादियों के जो फंक्शन होते हैं उस मौसीकी का शौक है आपका, गाने सुनने का शौक है आपका, नाचने का शौक, नाचने का शौक है, गाने सुनने का शौक है, ये सारी चीजें भी शौक में आती हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप सब चैनल वालों को, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ माशरे वाले इज़्ज़त नहीं देते, इज़्ज़त की नज़र से हमें नहीं देखते, तो इसके लिए थोड़ा सा आप हमारी रहनुमाई करें जी। और दूसरी बात है कि हम अपने गुरुओं से इसे बहुत खुश हैं, ये हमें हर चीज़ के प्यार मोहब्बत और खलूस, और हमें ऐसा अपना माँ बाप भी भुला देते हैं ये लोग, तो हम सब ख्वाजा सराओं से ये कहना चाहती हूँ कि अपने गुरु साहिब की बहुत ज़्यादा इज्जत करें, और ये हमें बहुत करीब होकर हमें देखते हैं ये। तो मुझे डांस का शौक है, बहुत ज़्यादा डांस का शौक है, मैं डांस करती हूँ, पंजाबी डांस करती हूँ, और आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन बढ़ने नहीं देता, तो इसलिए अपनी जो मेरी गुरु है, किसी को देख के शौक आता है ना, किसको देख के शौक आया? मुझे सबसे ज्यादा प्यारी जो अंजुमन है उसको देख के। अंजुमन का ठीक है, थैंक यू। तो अब मैं यहाँ से खड़ा होकर अपना भी एक तजर्बा शेयर करूँ, जो आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देख के बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा प्रोग्राम बड़ा संजीदा जा रहा था, लेकिन अब इस तरह की भी थोड़ी बहुत बातें हों ताकि थोड़ी मुस्कुराहट भी आए, इन साथ साथ हम ऐसी चीज़ें भी साथ साथ जिक्र करें जिससे बाकी लोग भी देख के गए कि एक आम शौक भी रखते हैं, जहां हम ख्वाजा सराओं की बात करें, एक्सक्लूसिव बातें करें, कुछ मसले मसाइल जो एक्सक्लूसिव है, अलग है, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जिससे एक हर इंसान रिलेट कर सके कि मेरा भी एक शौक है, आपका भी एक शौक है, और ये बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि आप भी बिल्कुल उसी तरह सोचते हैं, आपकी मजबूरियाँ फ़र्क हैं, आपकी दुश्वारियाँ फ़र्क हैं, लेकिन ख्वाहिश, शौक, ख्वाब ये यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये बार बार जितना हम बोलेंगे उतना ही मेरे ख्याल से पॉजिटिवली इसको रिसीव किया जाएगा, तो ये एक कल्चर ये भी हम साथ साथ इंडक्ट करना चाहेंगे। जी शौक सबका, हमारा जॉनसन है बेसिक शौक जॉनसन है वो डांस का ही है। अच्छा, नाचने का है, जैसे घर में कोई फंक्शन आता है शादी, ये ख्वाजा सरा कल्चर के अंदर एक एनकरेज की जाती है। हाँ, ये फर्स्ट है, यानी कि हर एक का दिल एक औरत है, और फिर जब हम अपनी शादी ब्याह में देखते हैं मेहंदी के फंक्शन में लड़के भी नाच रहे होते हैं, लड़कियाँ भी नाच रही होती हैं, तो वहाँ पे हमारा भी दिल करता है, जब जैसे ही हम नाचते हैं पहले तो हमारे घर वाले ओए देखो वो नाचने लग गया वहाँ पे, ये देखो हमारी बदनामी करवा रहा है, बाकी सब नाच रहे हैं, हम फंक्शन पे जाते हैं तो पहले हमें इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है अब कि 2 घंटे इंतजार करो पहले घर वाले नाच लें। अच्छा, ठीक है ना, उनका किसी ने कोई आइटम तैयार किया हुआ है, किसी ने कोई आइटम तैयार किया हुआ है, हम कह रहे हैं शौक हमारा है, तो हमें जलालत के साथ दिया जा रहा है, और यहाँ पे इज्जत है, माँ बहन सब घर में बैठे होते हैं, सब देख रहे होते, तो उसको उस नज़र से हमारे शौक को देखा जाए, हमारे शौक को अलहदा कर दिया और अपनी फैमिली में सारे इस तरीके से, तो इसी के लिए हमारे पास ना कोई आर्ट अकेडमी है, ठीक है ना, आपके पास स्टेज के ऊपर इस टाइम परफॉर्मेंस के लिए सकाफ़ती ताइफे जाते हैं पूरे पाकिस्तान में से, ये ताइफे कितने मुल्कों में जाते हैं, तो क्या ख्वाजा सरा कल्चर का एक भी कोई वहाँ पे मौजूद है? कोई नहीं जाता, बिल्कुल उनका कल्चर नहीं है, नाच गाना उनका कल्चर है, तो उसको भी साथ घुमाएं फिराएं, दुनिया में दिखाएं उस कल्चर को, सांग पार्टी के साथ घुंघरू बांध के हम नाच रहे हैं, अपने मुंह से बोल के गा रहे हैं, इतना हम अच्छे टैलेंट, लोग हमें सुनते हैं, तो आप हमारा वो चेहरा क्यों दिखा रहे हैं जो मस्क हुआ है, जो माशरा है, वो माशरे का चेहरा है, वो गंदा चेहरा माशरे ने बना दिया है, वो उनमें मौजूद वो खुद लोग हैं, वो आपके कल्चर के साथ सिर्फ नहीं है, वो जोड़ देते हैं, ये ज़्यादा ये फकीरी कल्चर है। अब हमारे साथ तो बाबा बुल्ले शाह ने भी घुंघरू बांधे, बाबा बुल्ले शाह सरकार जो हैं उन्होंने 12 साल ठट्ठा नगर सिंध में हमारे ख्वाजा सराओं की गद्दी में पानी भरा है, मटियाँ भरी हैं पानी की वहाँ पर, और वहाँ पर अभी तक उनका वहाँ पे कमरा, इबादत कमरा मौजूद है, वहाँ पे उनकी चारपाई, मुसल्ला सब कुछ मौजूद है, और उस मट्टी की जो ख्वाजा सराओं के घर में मट्टी है जो बाबा बुल्ले शाह उनके लिए परते रहे हैं, और देखो
कि कितना इस कल्चर में और इस फकीरी में कितनी अल्लाह की रहमत है। बाबा बुल्ले शाह जैसे वो मटियाँ भरते रहे हैं ख्वाजा सराओं की, हम तो उनकी खाक भी नहीं है, वो सैयद की ज़ात है। ये कोई उनका प्यार था, मोहब्बत थी, या वो जो हमारे उस दौर में बुज़ुर्ग थे उनमें पता नहीं कौन सा ऐसा कोई कारनामा था, ऐसी कौन सी बात थी कि बाबा बुल्ले शाह जैसे भी उनकी खिदमत करते रहे। तो फ़कीरी कल्चर जो है ना, ये बहुत ही एक समझ लो कि ये सूफ़ी है। अच्छा, जो हमारा गद्दी का सिस्टम, जहाँ पे भी आप जाएंगे गद्दी सिस्टम में, वहाँ पे आपको सूफ़ी कल्चर मिलेगा। फ़कीरी कल्चर में आप जाएंगे सूफ़ी कल्चर, ऐसे ऐसे हमारे बुज़ुर्गों के घर हैं जहाँ पे हमारे घरों में, हमारे घरों के अंदर वलियों की मज़ार हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमारे मस्जिदों पे तख्तियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे मस्जिद ख्वाजा सरा, ठीक है, वो भी ख्वाजा सरा। इन चीज़ों को वो कम दिखाया जा रहा है, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सूफ़ी में हैं, जो शर्म हया में हैं, जो इज़्ज़त अबरू के साथ मोहल्ले में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं आज से नहीं सदियों से, उनको कम दिखाया जा रहा है। आजकल जो कल्चर चला हुआ है इसको तो आजकल इतना प्रमोट कर रहा है मीडिया भी और हुकूमत भी, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा सदर सरबराह कौन बनाऊगा इस्लामाबाद में, कौन हमारी जो जो हमारे बना रहे हैं नुमाइंदगी कर रहा है, या कौन हमारे बिल पास करवा। हमें तो अभी तक ख्वाजा सराओं को, जो गद्दी नशीन ख्वाजा सराए हैं जिनकी जिनका असल ये कल्चर है, उनको तो अभी तक इन चीज़ों का पता ही नहीं है, ना उन तक कभी किसी ने कोई राबता किया है, ना हुकूमत के किसी बंदे ने राबता किया है, ना वो जो आगे खड़े हुए हैं एनजीओ ने जिनको आगे खड़ा किया हुआ वर्दियाँ पहना के, ठीक है, बस वो टोटल पूरा करके हाँ जी आ गए ये हैं वो हैं वो हैं, ठीक है। हमने आज तक ख्वाजा सराओं ने किसी को भी आगे नहीं किया कि जाओ जाके हमारी इस्लामाबाद में नुमाइंदगी करो या हमारा कोई बिल पास करवाओ। हमारे बिल पास हो गए हमें नहीं पता हमारा क्या बना है, हमारे नाम के साथ से ख्वाजा सराओं मुखन्नस जो इस्लामी नाम है वो हटा के ट्रांसजेंडर लगा दिया, और पत्नी क्या क्या नाम लगाए हैं उस एक्स कार्ड में, वो मैंने एक वीडियो देखी थी उस एक्स कार्ड में कितनी चीज़ों को वो मिला रहे हैं, और ख्वाजा सरा एक नाम है उसमें आपने हज़ार मिक्सचर कर दिया, उसको असली रंग में रहने दो, वो सूफी रंग के लोग हैं, इन्होंने बुज़ुर्गों की खिदमतें की हैं, इस असली रंग को ना नकली रंग चढ़ाए, नकली रंग किसी चीज़ पे भी चढ़ता है वो साफ ज़ाहिर नज़र आ जाता है, ठीक है ना। जब एक मोती माला में होता है उसकी शान और होती है, जब वो माला से निकल जाता है टूट जाता है उसकी शान और होती है, ठीक है ना। वो आप एक और मिसाल लगा लूं कि जिसके गले में पटा होता है उस कुत्ते की भी लोग इज्जत करते हैं, जो पटे के बगैर होते हैं उसको या तो कमेटी वाले मार जाते हैं या कोई कुचला दे देता है। इसलिए हर एक को चाहिए अपनी लिमिट में रहना, वो जिस कल्चर में भी रहे अपनी इज्जत का खास ख्याल रखे, और ऐसा रहे कि लोग हम पे उंगलियां ना उठाएं। हमारे ख्वाजा सरा सूफी कल्चर को बहुत बिगाड़ तिगाड़ के पेश किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे में। आए आके हमारे घरों में रिसर्च करें, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत अच्छा माहौल मिलेगा इंशाल्लाह। आपको एक एक घर में दो दो चार चार हाजी मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद दो दफ़ा करबला की जवार हूँ, और मैंने पैदल की है एक दफ़ा जवारी नजफ अशरफ से लेके करबला तक पैदल चली हूँ, और औरतों के साथ रही हूँ, औरतों के साथ उठी हूँ बैठी हूँ, और तो और औरतें मेरे पाँव भी दबाती रही हैं। अब मैं भी तो ख्वाजा सराह हूँ जिसके पाँव दबाती रही हैं औरतें, ठीक है ना। तो ऐसा इंसान को अपने आप को टाल के रखना चाहिए मुआशरे में कि मुआशरा हमें धुतकारने के बजाय हमसे दुआ ले या हमारे साथ मोहब्बत करे, हमारी इज्जत करे। आपने अपनी कल्चर, अपनी जो एक कम्युनिटी है उसके हवाले से बात की कि कुछ लोग हैं जिन्होंने बिगाड़ के एक गलत नाम बना लिया है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है माशरे के अंदर, और बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रही है। इसको मैं रिलेट करने के लिए बड़े लेवल पे भी लेके जाऊं, हमारे मुल्क का नाम भी कुछ ऐसे ही लोगों ने बदनाम किया है जो अपनी हरकतों की वजह से पूरे मुल्क के जो सारे वासी हैं, जो सारे शहरी हैं, वो बैठे हुए सोच रहे हैं कि भाई हम तो ऐसा करते नहीं हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान को इस तरह क्यों पहचाना जाता है, इस चीज़ से, इन बुराइयों से ही क्यों पहचाना जाता है। तो ये मुल्क, कम्युनिटी, घर, घर का भी अगर घर में पांच फर्द हैं तो एक फ़र्द कोई गलत हरकत करे
तो पूरे घर पे उंगली उठाई जाती है, पूरी फैमिली पे उंगली उठाई जाती है। और यही एक हमारा मसला है कि एक शख्स जो बुराई करता है उसकी बुराई के बेसिस पे पूरी कम्युनिटी को एक रिप्रेजेंटेशन मिला। अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात की, ये राइट बात है। कितनी दफ़ा हमने इवेंट में किसी मीटिंग में जाते हैं ना, तो मेरा यही सवाल होता है अगर एक औरत गलती करती है उसके गांव का, उसके शहर का, उस गली का, उसके माँ बाप का नाम लिया जाता है। अगर एक लड़का गलती करता है इसी तरह नाम दोहराया जाता है। मैडम नदीम कशिश बैठी हुई है, कितनी दफ़ा मैंने हर मीटिंग में ये कहा एक ख्वाजा सरा गलती करता है तो पूरी कमेटी को क्यों बदनाम किया जाता है। ऐसी बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात, दूसरी बात यानी कि तालीम में और साहब दीन में बहुत सारा फ़र्क है। साहब दीन वो चेंज लफ्ज़ कभी नहीं हो सकते, मेरे ख्याल में हशर मैदान लगेगा तब वो लफ्ज़ उठ जाएंगे। और तालीम सैंसी जो है इस टोटके को कट कट के छोटा करें बड़ा करें वो आपकी अपनी मर्जी है। साइंस एक ऐसी चीज़ है, बिल्कुल साइंस की तरफ अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे बिगाड़े पड़ जाते हैं। अगर हम अल्लाह की अली किताब की तरफ जाते हैं तो हमारे सारे काम सुधर जाते हैं। क्यों वो चेंज नहीं कर सकते? कुछ मैंने पहले भी कहा ना, वीडियो उलमा कराम ने भिजवाई थी, कुछ ये क्या नाम है उसका एनजीओ वालों के हवाले से, ख्वाजा सराय यानी कि शादी कर सकता है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा उकसाई और मैंने यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है ट्रांस न्यूज चैनल पाकिस्तान, उसमें भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाए जो हम खुद नहीं चाहते। अगर आप कहें यानी कि आपकी शादी मैं उससे करवा दूँ, मैं ये शादी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि अल्लाह ने जब हमें तन्हा अकेला पैदा किया है, जब हमारे साथ कोई रिश्ता जोड़ा ही नहीं उसने, वो रिश्ते जो माँ बाप के वो भी हमें दूर कर देते हैं, हम एक अजनबी बंदे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी का फैसला या हक निकाह हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये मेरा ज़मीर नहीं मानता इस चीज़ की और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। कुछ ऐसे कमेटियाँ और बनी हुई हैं जो कहते हैं ये जायज़ है, करो नहीं जायज़, ये बिल्कुल जायज़ नहीं। हमारे हिसाब में जो ख्वाजा सरा कल्चरल कमेटी है ना, इसके हिसाब से ये जायज़ नहीं। बड़ा कम रह गया, मैं चाहूंगा कुछ एक बात बोलना चाहती हूँ जो की जिन लोगों ने वो उनको भी मौका मिले थोड़ा। एक बात बोलना चाहती हूँ, जो हमारी ख्वाजा सरा कल्चर गद्दी है जो सदियों से चल रही है उसकी तारीख में आप रिसर्च करें, सर्वे करें, उसकी तारीख में आपको कहीं भी ख्वाजा सरा की शादी नजर नहीं आएगी। हमारे उलमा कराम तारिक जमील साहब जैसे बात करते हैं दिल में असर करती है, कभी वो नहीं बोले इस मसले के ऊपर। अब हमारी जींस जौन सी है वो वाहिद ऐसी जींस है कि वो सेम सेक्स में हम जींस प्रस्त नहीं है, ठीक है ना। तो उस तरीके से अगर ये चीज़ें अगर फैलाई जाएंगी तो नए जो ट्रांसजेंडर बॉयफ्रेंड तक चले गए, एक आम सा लफ्ज़ है ना, इज़ माई बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड फ्रेंड की तो हर एक को ज़रूरत होती है, मगर उसको शादी और उसको निकाह और या इस किस्म के रसूमात के साथ जोड़ना ये एक गलत बात है। दोस्तों की सबको ज़रूरत होती है, माशरे में उठना बैठना है, किसी को भाई बनाएंगे, किसी को बहन बनाएंगे, किसी को दोस्त बनाएंगे, ऐसे रिश्ते बन जाते हैं हमारे। मगर उसके साथ लोग डरते हैं, यार मैं इसके साथ चल रहा हूँ रोड के ऊपर तो ये मुझे ताना है, वो दोस्त भी नहीं चलता। मगर एक चल पड़ता है, जो चल पड़ता है वो बदनाम हो जाता है, इसका इसके साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक होगा, ये होगा वो, किस वजह से कि उसके पास कल्चर नहीं है, उसके पास वही रोड है, रोड पे ही वो दोस्त बना, रोड पे किसी ने भीख दे दी, कोई रोड से किसी ने फ़ोन नंबर ले लिया, लोग आते जाते हुए माशा देख रहा होता है उस रोड के ऊपर। हम जब अपनी कम्युनिटी से ये बात करते हैं इस हवाले से तो हमारे पास उनके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है ना, उनका मसला पैसों का कैसे हल करेंगे हम? भीख तो वो लड़कियाँ भी मांग रहे हैं, बच्चे भी मांग रहे हैं उसी रोड के ऊपर, सिर्फ ख्वारसरा तो नहीं खड़े हुए ना भीख मांगने के लिए। तो इनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है ना, दूसरी स्किल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आप सिखाएंगे तो टाइम भी नहीं है अब इनके पास। जिनके पास टाइम है 18 साल से कम, वो माँ बाप के ऊपर पनिशमेंट होनी चाहिए, अदालत की तरफ से होनी चाहिए कि 18 साल तक आप इसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप इसमें कुछ इसमें देखें तो आपके लिए मेडिकल का रास्ता खुला हुआ है, आप यहाँ से रजू कर सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, वो गवर्नमेंट दे सकती है आपको, या ना अगर गवर्नमेंट कुछ स्पेशल करना चाहती है तो उन माँ बाप के लिए स्पेशल करें जिनके पास ना सोच है ना समझ है, ताकि उनको अवेयरनेस मीडिया के ज़रिए कंपेन चलाई जाए, टीबी का इलाज कल नहीं आज, फलाना चीज़ का कल नहीं आज, तो इसका भी इलाज मुमकिन है। अगर वो ख्वाजा सरा कल्चर में आएगा तो 18 साल तक वो रिपोर्टें बताएंगी उसको कि ये अब नहीं रह सकता, ये वहाँ जा रहा है। फिल्मों में दिखाते बच्चा लेके चले गए, ख्वाजा सरा ले गए, कभी कोई नहीं लेने गया ख्वाजा सरा किसी के घर में,
खुद आते हैं, खुद चल के आते हैं, वही माँ बाप के रवैयों से, वही माशरे के रवैयों से तंग आके फिर पहुँचते हैं, फिर हम एक्सेप्ट करते हैं ख्वाजा सरा कल्चर में। ठीक, आगे चलेंगे। हाँ, जैसे अभी आप बात कर रहे थे प्रोफेशन की ना, तो शौक़ तो मुझे भी बहुत है डांस का, ये वो, लेकिन कब तक चलेगा ये सब कुछ? हमें कुछ ना कुछ तो सोचना होगा ना, जो मेरी एज के या मेरी फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं। ठीक है, तो जो शीमेल हैं हम में से, मैं खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हूँ, खाना अच्छा बना लेती हूँ, अपने कपड़े खुद सिलाई कर लेती हूँ, मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपना आगे फ्यूचर में प्रोफेशनल जो है ना मेकअप आर्टिस्ट, अच्छा, मेकअप का सीखूंगी इंशाल्लाह। मैं इस टाइम 12 साल से एज ए मेकअप आर्टिस्ट, ख्वाजा सरा कल्चर को जब मैंने छोड़ा तो बिल मैंने कहा क्या होगा, मुझे मेकअप आता था और डांस आता था, एज ए डांस मास्टर फिल्मों में चली गई, वहाँ जाके 2-2.5 साल वहाँ लाहौर में गुजारे, फिर यहाँ पे आके एज ए मेकअप आर्टिस्ट इस टाइम जॉब कर रही हूँ। वो क्यों कि सिर्फ मैंने दिखाना था, उसमें मैंने गुरु चेला सिस्टम को नहीं छेड़ा, उसमें मैंने कोई फंक्शन नहीं किए, सिर्फ नौकरी की, और 12 साल से ये एनजीओ को रजिस्टर्ड करवाया कि भाई एक तरीका है, एक पैनल के तरीके हम जाते हैं सामने, मगर हमसे जो पहले एनजीओ वाले बैठे थे वो पढ़े लिखे थे सारे, हमारे पास तबका मेरी टीम में पढ़े लिखे काम थे, जिनको मैं लेकर आई कि आप पढ़े लिखे हैं बीए पे, उनको उन एनजीओ वालों ने सैलरी बेस पे रख के, और अब उनको किसी को लंदन अवार्ड लेने जा रही है, कोई जेनवा अवार्ड लेने जा रही है ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराओं के नाम पर। क्यों भाई, आप वहाँ लंदन में अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो एक आलमी अवार्ड लेने जा रही है नायाब अली, अलीशा हमारी बैठी हुई है इस टाइम UNDP में नुमाइंदगी कर रही हैं, एक बैठी है हमारी आयशा मुगल जो हमारे वहाँ पे बैठे, मैं भी ह्यूमन राइट्स कमेटी की मेंबर हूँ इस्लामाबाद से, हम 5 मेंबर हैं चारों सूबों से, और वफाक से मेरा नाम आया, हमें ना इख्तियार दिया गया, ना हमें वसाइल दिए गए, ना हमें मीटिंग में हमारे मशवरे लिए गए, इतनी कम्यूनिटी मेरे घर में बैठी हुई है जिसको बिस्तर भी चाहिए, खाना भी चाहिए, मैं शेल्टर होम 12 साल से चला रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं बड़ा एक आम सा सवाल आप सारों से पूछूंगा, क्योंकि मैं ऐसे तो जाने नहीं दे सकता, हर किसी को कोई ना कोई तो बात मैंने करवानी ही करवानी है। छोटा सा सवाल है, अगर कोई भी नौकरी करने का मौका मिले तो वो कौन सी नौकरी होगी? कौन, हर कोई इस पर कोई जवाब देगा, माइक अब एक एक बंदे के पास जाना चाहिए। हाँ, मैं कुकिंग का काम करना चाहता हूँ। कुकिंग का काम करना? हाँ जी। आप? कुकिंग। ओके, बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट आने वाले हैं जी। मेरा काम सबसे हटके होगा, क्या सबको वसीयत करना, कंसल्टेंट होंगे आप, मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो जरा होश वाश से काम लें और बुजुर्गों की इज्जत करें और अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल रखें। मेरी तो यही ख्वाहिश है। ठीक है, हाँ जी, अपने आप को इस मुआशरे का एक अच्छा शहरी बनाएं, मेरी तो ये ख्वाहिश। मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मैं मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट, हमारी भी यही ख्वाहिश है। नौकरी की, नौकरी करना चाहिए। कौन सी नौकरी? मतलब कुक की, कुक बनना चाहिए। ठीक है, मेरी यही ख्वाहिश है कि कुकिंग कुक। ये एक मेरी एक बड़ी एक ख्वाहिश है जो इज्तमाही तौर पर है ना, कि हमारे महकमा काफ देखें आप, उसमें 40-40 बंदे इस टाइम हर दरबार में ड्यूटियां दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, झाड़ू दे रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, बहुत खुशी से हमारे ख्वाजा सरा ये जॉब करेंगे महकमा काफ। मुझे, मुझे बहुत रियलिस्टिक जवाब मिल रहे हैं कि कुक बंदा सोच सकता है तो इसलिए कुक, मेकअप आर्टिस्ट का आप सोच सकते हैं इसलिए मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन मैंने ओपन रखी हैं सारी इंडस्ट्रियाँ। अगर आपने ख्वाब देखना ही है तो ख्वाबों पे तो एक पाबंदी नहीं होनी चाहिए ना, तो सारी नौकरियां खुली हैं अगर आपके सामने, तो किस चीज़ का ख्वाब होगा कि भाई बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर ये अगर होता तो बहुत अच्छा होता। इस पे पाबंद ना करें अपने आप को कि जो हो सकता है उसी का जिक्र करूंगी मैं। मैंने ओपन रखा है, ख्वाब देखना है, ख्वाहिश क्या है। डॉक्टर क्या सोच नहीं सकते? तालीम क्यों नहीं सोच सकते? सोचने को क्या, मैं वज़ीर आज़म बन सकती हूँ? मैं सोच रहा हूँ कल को मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, तो ये तो फिर मैं भी सोचने तो से नहीं है। नहीं, ये ख्वाब, ख्वाबों पे पाबंदी नहीं होती है। मर्द भी वज़ीर आज़म बने, औरत भी वज़ीर आज़म बने, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ। बिल्कुल सही हो गया। और अपनी कम्युनिटी के साथ में, सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं है, हम हमारी कम्युनिटी ऐसी है जो माशरे में उठती बैठती है। एक घर में जैसे आप मिसाल कुत्ते की देते हैं कि वो भी अगर भूखा हो तो उसकी जिम्मेदारी उसके हुक्मरान पे होती है, तो हुक्मरान को तो हमारा पता ही नहीं, हम वो बनने का तो खुद ही बन जाए तो बेहतर नहीं है। हम साए हम लोग, सही है, कभी उन्होंने बुला के नहीं कहा आओ चाय पे, इतने आप भागे दौड़ी करते फिरते रहते हैं, इतना आप काम कर रहे हैं, चाहे आपको शाबाश ही दे दें थोड़ी सी। हाँ। शाबाश के लिए भी कभी नहीं बुलाया उन्होंने,
تو یہ خواب بھی ناجائز نہیں ہے, یہ خواب رکھنا کہ بھئی اب وزیر اعظم نہیں کر رہے تو میں خود ہی بن جاتی ہوں. ہمارے گلی میں پوچھے, ہمارے ہر ایک سے پوچھے, ہماری گلی میں غریب کون ہے, حقدار کون ہے, ضرورت مند کون ہے, پڑھا لکھا کون ہے, اور کہاں کا غلط کام ہو رہے ہیں. پولیس کی بھی ہم معاونت کر سکتے ہیں, اگر مخبری کروانا چاہیں تو وہ بھی ہم مخبر بھی بن سکتے ہیں, مگر ہمیں تو مار دیں گے لوگ. کوئی جاب کروائے نا ہم سے. ہاں جی, باقیوں کو موقع نہیں مل رہا, مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کہ پیچھے خاموش بیٹھے ہیں. یہ کچھ ایسے ہیں یعنی کہ بات کرنے سے تھوڑا سا جھجک رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. میں وجہ سمجھنا چاہتا ہوں کیوں. ہاں, یعنی کہ ان کو چاہیے نا اپنی خاموشی تھوڑی سی ہو جائے, ان کا حق بنتا ہے اپنی حقیقت کو بازار کرنا. ہاں ٹھیک ہے, کہ کب تک اپنے آپ کو خوف زیادہ کر کے, ڈر ڈر کے, سہم سہم کر, کب تک یہ رہنا چاہتے ہیں. بالکل, ان کو خود سے ہمت لینی چاہیے, ہمت سے کام لینا چاہیے. بالکل, میں ایک بھیڑ بکری چرانے والی اگر اتنا بول سکتا ہوں, شہر کے اندر پلے پڑے ہیں. کہ یہاں جو ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوئی ہیں, اس پورے پروگرام کے اندر ہوئی ہیں, آپ لوگوں کی نمائندگی ہوئی ہے, بہت پازیٹیو طریقے سے ہوئی ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے. میں ایک پورا ایک پیغام دینا چاہتی ہوں, یعنی کہ حکومت پاکستان سے, جو ایکس کارڈ کے بارے میں ہماری ٹیم, ہمارے کمیٹی بات چیت کر رہی ہے, یہ بالکل ہم اس چیز کو قبول نہیں کر رہے, کیونکہ زیادہ ہماری کمیٹی جتنے بھی ہے وہ دیندار ہے, ایماندار ہے, وہ حج کے لیے, عمرے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ان لوگوں نے کچھ چار لوگ تین لوگوں نے ویڈیو بنائے, یعنی کہ خبردار کانوں سے ہوشیار ہو جاؤ, اور کچھ لوگ آپ کو اکسائیں گے. اور ایک نے کہا ان خسرو کو پاگل خانے میں ڈکوا دو, یہ پاگل ہو گئے. اور ایک نے کہا یعنی کہ کانوں سے اشار ہو, خبردار خبردار. وہ ہم کمیٹی کو کہہ رہی تھی جو خواجہ سراں مہنس اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. وہ کون سی لڑکیاں ہیں, وہ کون سے خواجہ سراں ہیں جنہیں ہم اکساریں. کمیٹی کے لیے ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, ان کے گھروں میں وزٹ کر رہے ہیں, انہیں جا کر سمجھا رہے ہیں. جو ہمارا رائٹ ہے وہ مرنے تک ہم اپنے رائٹ کو چھوڑیں گے نہیں. حقیقت میں ہے, حقیقت پہ رہیں گے. انشاءاللہ حج بھی کریں گے, عمرے بھی کریں گے, انہی کارڈوں پہ کریں گے جنس کارڈ پہ ہماری چمن پرچی پہ نام لکھا گیا ہے. جو ہماری جنس مردوں والی ہے وہی رہے گی, ہم عورتیں تو نہیں بن سکتے. ظاہری بات ہے خواجہ سراں مہنس وہی ہے, نہ ایک عورت کے قابل ہے نہ ایک مرد کے قابل ہے, وہ ہر گناہ سے پاک ہے, ہم پاک ہی رہنا چاہتے ہیں. ہمارے آئی ڈی کارڈوں پہ خواجہ سراں جس نے لکھوانا اور وہ لکھوا لے, لیکن وہ بھی چند ہی ایسے ہمارے گدیوں والے خواجہ سراں ہیں جن پہ خواجہ سراں بھی لکھا ہو گیا, اور جن کا خواجہ سراں تھا وہ اب انگلش میں تبدیل ہو گئے, تو ان کا بھی وہ انہوں نے ایکس لکھ دیا. یہ غلط بات ہے. جو ہمارا بے فام چل رہا ہے شروع سے, بزرگوں سے جو ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام رکھا یا اپنی یونین کونسل میں درج کروایا, اسی پہ جو ہمارے آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں, ہماری جائیدادیں بھی اسی پہ ہیں, سب کچھ اسی پہ ہے. اور تو اور ہم جتنے بھی ہیں ہندوستان پاکستان پارٹیشن کے بعد جتنے بھی ہم خواجہ سراں ہیں گدیوں والے, ہم سب ووٹ دیتے ہیں حکومت کو. ہمارے الحمدللہ ووٹ بنے ہوئے ہیں. میں نے خود پی ٹی آئی کو اس دفعہ ووٹ دی ہے. یہ کھنا ڈاک اسلام آباد کی, میں وہاں کی مقامی ہوں, رہائشی ہوں. میرے جو گرو حضور تھے وہ بھی وہیں کے مقامی رہائشی تھے, ہمارے اپنے گھر ہیں, تو وہ بھی ووٹر تھے. انہوں نے بھی حکومت, وہ پیپل پارٹی کو بہت لائک کرتے تھے, وہ پیپل پارٹی کے ساتھ تھے. وہ اب ہمیں محلے داروں کی بھی ماننی پڑتی ہے, جو کوئی اچھا نمائندہ ہمارے سامنے آئے پی ٹی آئی والوں کا, پیپل پارٹی والوں کا, ہمیں اپنے محلے داروں کا بھی منہ رکھنا پڑتا ہے. جب ہمارے ان آئی ڈی کارڈوں پہ ووٹ ڈالے جا سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, ہمارے کارڈوں کی شناخت نہ کریں, چھانٹ بھیڑ نہ کریں. چھانٹ بھیڑ معاشرے میں کریں, کون کیا کر رہا ہے, کون کیسا ہے. شناختی کارڈوں کو چھوڑو, ٹھیک ہے, وہ تمہارے. آج تک ہم پاکستان کو ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں, گدی نشین طبقہ جتنا بھی ہے ان, وہ اپنے اپنے محلوں میں عرصے درازوں سے رہ رہے ہیں, ووٹ دیتے آ رہے ہیں حکومت کو. حکومت سے آج تک ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا, کبھی خواجہ سراؤں نے آج تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں لے کے آئے کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے. ہمارے الحمدللہ جدی پشتی اپنے گھر بھی ہیں, مکان بھی ہیں, وہاں پہ رہتے ہیں, محلے دار بھی, اچھا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. ہم نے آج تک حکومت سے کچھ بھی نہیں مانگا. حکومت پاکستان کی جتنی بھی حکومتیں بدلی ہیں, ہم نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا, کبھی کچھ مانگا نہیں. ہم ووٹ دیتے ہیں, وہ بھی سمجھ لو کہ فی سبیل اللہ دیتے ہیں,
जो वोट हमसे मांगने आते हैं हम उनसे भी कुछ नहीं लेते। हम अपने पाकिस्तानी होने के नाते हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हम वोट देते हैं, तो इतना अरसा हम चुप रहे हैं तो हुकूमत वालों को चाहिए कि हमारी छांट पीट करके हमें और कुछ भी ना दें, कुछ भी ना दें, हमारे हज में हमारे उम्रे में डिस्काउंट की जाए, या जो बहुत गरीब ख्वाजा सराय हैं उनको साल बाद कोटा सिस्टम से वो उनको उम्रा करवाया जाए, जो बेचारे इस नहीं वहाँ उनकी दिल की हसरतें। हमारे ख्वाजा सराओं का सबसे बड़ा जो शौक़ होता है मैं आपको बताऊं वो यही होता है कि हम हज करें, उम्रा करें, नबी पाक का रोज़ा देखें, हम आशिक रसूल होते हैं। ठीक है, इसी बात पे हमने वाइंड अप करना है प्रोग्राम का। बातें तो अब बहुत सारी हैं जो की जा सकती हैं प्रोग्राम के अंदर, लेकिन प्रोग्राम का हमने वाइंड अप करना है। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें रह भी गई हैं, एंड जो सारी बातें रह गई हैं आने वाले प्रोग्राम्स में हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हम दोबारा इस सब्जेक्ट को छेड़ें, एक डेडिकेटेड फोकस डिस्कशन रखें, पैनल के साथ रखें, और अभी हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को जब दोबारा छेड़ें तो एक और पहलू को भी हम साथ लेके चलें जिसमें बाकी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी इसके अंदर मर्ज कर सकें और एक इन टोटल एक जनरलाइज टॉपिक को हम एड्रेस कर सकें। आज के प्रोग्राम के अंदर मुझे खुद एज एन एंकर पर्सन सीखने को बहुत कुछ मिला, मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में आगाही मिली जिनके बारे में मुझे पहले नहीं पता था या फिर जिनके बारे में पहले मुझे तफसीलात से आगाही नहीं थी। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि जहां मसले मसाइल डिस्कस हो रहे थे, जहां प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रही थी, वहां काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी की गई, काफ़ी ऐसी बातें की गई जिससे हर पाकिस्तानी शहरी रिलेट कर सकता है, क्योंकि ये मसले मसाइल जो भी हैं ये हमारे मुल्क के मसले मसाइल हैं। जब हम हमारा मुल्क कह रहे हैं तो इस मुल्क के अंदर, इस घर के अंदर जो भी वासी रहता है उसका उतना ही वो मसला है जितना दूसरे का है। तो अगर हम ये सारे मसले मसाइल अपने समझ के इनको एड्रेस करें तो एक दूसरे की मदद करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा और सारे मिल के एक दूसरे के मसले भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी यूनिटी के साथ, इसी एक यूनानिमस होकर अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें तो सारी कम्युनिटीज़ के भी प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाएंगे, सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके भी प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाएंगे, और ऐसे तबके हैं जो अभी भी दबे हुए हैं उनके भी प्रॉब्लम्स एड्रेस होने के साथ उनको सही मानों में एक नुमाइंदगी मिलेगी, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होगी, ना कि वो बिगड़ी हुई रिप्रेजेंटेशन होगी जिसकी इस प्रोग्राम के अंदर भी काफ़ी जिक्र किया गया कि चंद लोगों ने उस नुमाइंदगी को बिगाड़ा भी है और उसकी वजह से काफ़ी लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। तो ये एहतजाज भी चलता रहेगा, लेकिन हमारी कोशिश इन प्रोग्राम्स के ज़रिए ये रहेगी कि हम गुफ्तगू के ज़रिए एहतजाज भी करें, गुफ्तगू के ज़रिए एक मुस्बत सोच को भी सामने लेके आएँ और गुफ्तगू के ज़रिए ही पाकिस्तानियत की बात करें, क्योंकि आज के प्रोग्राम के अंदर जो एक चीज़ नुमाया नज़र आई है वो आपके मुल्क का नाम है। सबसे ज़्यादा जो एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है वो पाकिस्तान का किया गया है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, फिर अपने घर की बात कर रहे हैं, और अपने घर के लिए कौन कुछ कोई अच्छा नहीं करना चाहता। जैसे ये जो हमारे सामने बैठी हुई हैं सारी, ये भी यही करना चाहती हैं कि अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करना चाहती हैं। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही, यही हमारा आज का पैगाम था। आप लोग फीडबैक हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हमारी वेबसाइट है k2.tv, हमारा फेसबुक का पेज है k2tv के नाम से, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है k2tv247, और ट्विटर पे भी हम k2tv के नाम से हैं। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हम मौजूद हैं, उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कोई कमेंट देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, किसी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री भी करते हैं तो खुल के बात कीजिए, हम उसके हवाले से भी आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर उसको एड्रेस करेंगे, और आप लोगों से तब मुलाकात होगी एक नए पैनल के साथ, नए ग्रुप के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, पाकिस्तान की सोच के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।